हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हेलो, हमारे लास्ट वीडियोस में से आपने क्यूब को दो लेयर तक सॉल्व करना सीख लिया होगा। अगर नहीं सीख लिया है तो आई रिकमेंड यू कि प्लीज़ टू प्रैक्टिस, जैसे आपको इसका हर एक मूव अच्छे से लर्न हो जाए, हर एक फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न हो जाए। क्योंकि अगर फार्मूला को लर्न होगा ना, बहुत सिंपल से फार्मूलाज हैं, अगर आप उसको लर्न कर लेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। क्योंकि जो लोग बहुत स्पीडली सॉल्व कर लेते हैं, उनका बस एक ही लॉजिक होता है, वो फॉर्मूले को लर्न करके रखते हैं और ये दो स्टेप में उसको रिपीट करने पे उसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट आई रिकमेंड यू कि आप भी इसको ऐसे प्रैक्टिस करो जिससे कि आप इसमें अच्छा सा काम कर सकें, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड लेयर, टॉप मोस्ट लेयर वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे। इसको भी हम लोग कई स्टेप में सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैं आपको पहले कुछ जानकारी दे देता हूँ। जैसे देखो, आपने जब सेकंड लेयर सॉल्व कर लिया है तो आपके जो टॉप लेयर है उसमें सारे येलो पीस दिख रहे होंगे, उसमें कहीं ना कहीं येलो आपको दिख रहा होगा, कॉर्नर पे येलो होगा, सामने येलो होगा, फ्रंट या ऊपर येलो होगा। तो आपको जो टॉप लेयर है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ इसके पोस्चर हैं, आपको उस क्यूब को कैसे होल्ड करना है, इस बात को नोटिस करना है, ये बातें बहुत ध्यान रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, जब आप टॉप लेयर पर आ जाओगे कि इस जगह पे, तो आपको यहाँ पे कुछ पोजीशन दिखेंगी। जैसे कि अभी आप मेरे क्यूब में दिख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे एक माइनस बना हुआ है, तीन येलो डॉट दिख रहे हैं, मींस ये हमारा सेकंड पोजीशन है। हो सकता है कि आपने जब क्यूब सॉल्व करना स्टार्ट किया, जब आपने सेकंड लेयर सॉल्व कर ली, उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे केवल सेंटर येलो हो, यहाँ पे ये येलो नहीं हो सकते, ऐसा हो सकता है, ठीक है। पहला आपको जो कोशिश करनी है कि टॉप में येलो सेंटर तो रखना ही रखना है, ठीक है। तो पहला पोस्चर है ये, पहला पोजीशन ये है कि यहाँ पे आपको येलो सेंटर दिखेगा, ठीक है। इट विल बी देयर। सेकेंड स्टेप होता है कि यहाँ पे एक जे बनकर आता है, येलो येलो येलो, इस तरह का जे बनकर आता है, येलो येलो येलो। या फिर अगर हो सकता है कि येलो 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 ऐसे बनकर आए, या हो सकता है कि येलो 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 ऐसे बनकर आए, तो किसी भी तरह, और ये भी हो सकता है ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, मतलब आपकी जो फ्रंट फेसिंग है वो ऑरेंज हो सकती है जब आप येलो साइन देखोगे, जे साइन देखोगे, आपकी फ्रंट फेसिंग जे ग्रीन हो सकती है अगर आप जे देखोगे इस तरह का। तो हो सकता है कि पहला पोजिशन सेंटर होगा, सेकेंड पोजिशन आपको यहाँ पर जे बनकर आ सकता है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये हमारी कुछ चार पोजिशन है, सेंटर, जे एंड माइनस देन प्लस, ऑलराइट। ये हमारी पोजीशन होंगी, पहले सेंटर, देन जे एंड देन माइनस देन प्लस, ये येलो डॉट बनकर आएंगे आपके सामने, तो इस सीक्वेंस में आएंगे। पहले आएगा डॉट, फिर आएगा जे, फिर आएगा माइनस और फिर आएगा प्लस। यानी कि जब मैंने सेकंड लेयर सॉल्व की है तो हमारे दो स्टेप ऑटोमेटिकली स्किप हो चुके हैं, क्योंकि हमारे सामने सीधे ये माइनस आ गया है। इट मीन्स अगर हम सिर्फ प्लस के लिए कोशिश करेंगे, अब हमें सिर्फ प्लस बनाना है, अगर यहाँ पे ये माइनस नहीं आता तो हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉट है कि जे है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने पर आपके सामने जो भी माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो। फॉर्मूला बहुत आसान है, एफ आर यू आर आई यू आई एफ आई, ठीक है। देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब सेकेंड चीज, ये फ्रंट है, मींस हमारे फ्रंट वाली लेयर, इसको मैं इसको फ्रंट बोल रहा हूँ। अब आप कहोगे इसको फ्रंट क्यों बोल रहे हैं, इसको फ्रंट क्यों नहीं बोल रहे। यहाँ पे देखो ये माइनस नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे होल्ड करोगे तब भी ठीक है, ठीक है। फ्रंट फेसिंग हमारा रेड हो गया, उस केस में फ्रंट फेसिंग हमारा ऑरेंज था, हाँ। इट नेवर इशूड कि आपका फ्रंट फेसिंग क्या है, बस आपको यहाँ पे माइनस दिखना चाहिए। आपने क्यूब को ऐसे होल्ड करके रखा है कि आपको यह माइनस अपीयर हो रहा है, अगर आप इसको ऐसे भी होल्ड करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग दिस लाइक दिस, नाउ फ्रंट इज दिस, सो आई एम मूविंग दिस एफ आर यू आर आई यू आई एंड एफ आई। तो देखो मैंने जब इसको मूव कराया, देखो यहाँ पे हमें येलो प्लस दिख रहा है, ये जो कॉर्नर पे येलो आ गया वो आ गए, अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके यहाँ पे प्लस आ गया है तो ये प्लस हमारे, ये प्लस हमको चाहिए था जो कि मेरे सामने आ चुका है, ठीक है। तो वी नीड दिस प्लस, ये कॉर्नर पे आ गए, यू आर लकी। बट देखो ये क्या है ना,
ये ग्रीन है, ये रेड है, सेंटर से मैच कर रहा है, यानी कि ये परफेक्ट पोजीशन है, इसको अपने घर पे रखा हुआ है, ये इसका घर है। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ये ब्लू है, ये ऑरेंज है, लेकिन सेंटर मैच नहीं कर रहा। ठीक है, एक सेंटर मैच नहीं कर रहा, ये गलत जगह रखा है। अब ये आ तो गया येलो, लेकिन बट इज इट रॉन्ग होम, ये अपने घर पर नहीं है। अब इसको नोटिस करो, ऑरेंज एंड ग्रीन, ठीक है, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट क्या है, ब्लू एंड ऑरेंज, तो ये भी गलत जगह पर रखा हुआ है। इसका सेंटर पॉइंट ये तो मैच कर ही चुके थे, इसमें देखो ब्लू एंड रेड, यानी कि ये सही जगह पे है, लेकिन इसका पोजीशन मतलब इसको रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं, हम फॉर्मूले से यूज़ करेंगे, तो अभी प्लीज हम लोग घुमाएंगे नहीं है मैनुअली इसको, कुछ लोग क्या करते हैं इसको घुमा देते हैं पकड़ के, वो गलत होता है। ठीक है, वो रॉन्ग है। चलो, मैंने क्या देखा, जब मैंने इसको मूव कराया तो वी हैव मेड अ प्लस येलो, येलो मेरा प्लस बन चुका है। अभी देखो मेरे को वो सामने दिख रहा है कि मैं यहाँ पे एक रेड का भी प्लस बन गया है और ये ऑरेंज का भी प्लस बन चुका है। कभी कभी क्या होगा कि ये दो प्लस बन जाए, मतलब ये वाला प्लस बनते ही, जैसे ही आपका ये प्लस बन जाएगा तो हो सकता है कि किसी अदर साइड में भी प्लस बन चुका हो, यानी कि जैसे ही आपका ये प्लस बन जाए तो आप एक बार क्यूब को घुमा घुमा के देख लो कि शायद कोई और प्लस तो नहीं बन गया। हो सकता है कि रेड का प्लस बन गया हो, ग्रीन का प्लस बन गया हो, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ऑरेंज का प्लस बन गया है और ये रेड का प्लस बन गया है, जो कि आमने सामने है। ठीक है, जो कि आमने सामने है। हमें ये क्या करना चाहिए था, एक ऐसा प्लस फॉर्म करना चाहिए जो बैक साइड में हो और एक लेफ्ट साइड में हो, मीन्स दो कलर ऐसा प्लस बन गया है जिससे कि एक बैक में और एक फ्रंट में हो। मैंने इसको टॉप लेयर को घुमाने की कोशिश की है, ठीक है, मैंने इसको रेड से रेड मैच कराया तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे दो ही प्लस बनकर आ पा रहे हैं, वो कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बन रहा कि हमारा बैक साइड में और लेफ्ट साइड में प्लस बन जाए। देखो सामने सामने प्लस बनकर आ रहा है, एक प्लस इधर बन गया और एक प्लस उधर बन गया, मीन्स दो ही प्लस पॉसिबल है जो कि फ्रंट एंड बैक में है। ठीक है, अगर फ्रंट एंड बैक में प्लस बन गया है, यानी कि जो आपने येलो प्लस बनाने के लिए फॉर्मूला लगाया था, आपको याद करा दूँ FRURIUIFI, तो वो आप फॉर्मूला आपको दो बार फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो प्लस बनकर आया है वो फ्रंट एंड बैक में आया है, लेकिन ये प्लस जो होना चाहिए था वो बैक ऑन लेफ्ट में होना चाहिए था। ठीक है, नो वरी, हम लोग फिर से अप्लाई करते हैं वही फॉर्मूला, लेकिन दो बार अप्लाई करना है, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो बार, रेडी स्टार्ट, इसमें इसको फ्रंट में रख सकते हो, आप इसको भी फ्रंट में रख सकते हो, जो भी आपका प्लस फॉर्म हो गया है फ्रंट एंड बैक वाला, आप उसमें किसी एक को अपने सामने रख लो, देन दो बार अप्लाई करना, रेडी। फर्स्ट टाइम FRURIUIFI, देन अभी इसी को होल्ड किए रहना, ब्लू वाला सामने रहना चाहिए, पहले भी ब्लू सामने था, अगेन FRURIUIFI। ठीक है, तो देखो ये फिर से मैच हो चुका है, हमारा जो येलो टॉप में था माइनस साइन वो सामने हमें दिख रहा है। चलो फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं, इसको माइनस सामने रखते हुए FRURIUIFI, ये फिर से मेरा प्लस फॉर्म हो चुका है, मैं इसको फिर से रोटेट कर रहा हूँ, देखते हैं इस बार क्या प्लस बनकर आता है मेरे पास। तो देखो इस बार ये प्लस बन गया है, ये भी प्लस बन गया है, ये भी प्लस बन गया है और ये भी प्लस बन गया, कमाल है, चारों प्लस बन चुके हैं। हम तो कोशिश तो बैक ऑन लेफ्ट क्लिक कर रहे थे, लेकिन हमारे पास इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने के बाद, यानी कि मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है FRURIUIFI। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगाने से क्या हुआ, येलो प्लस तो बन ही गया, साथ ही साथ हमारे चारों प्लस बन चुके हैं, आप देख रहे हो चारों प्लस हमारे बन चुके हैं, क्योंकि अगला स्टेप हमारा यही था। ठीक है, अगला स्टेप ये था हमारा, जैसे कि हम चारों प्लस बनने वाले थे। ठीक है, अगर ये चारों प्लस ना बनते तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप उसको ट्राई करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके चारों प्लस बन जाएंगे। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि हमारे जो कॉर्नर पीसेस हैं, मैं देख पा रहा हूँ ये रेड है, ग्रीन है, सेंटर से मैच कर रहा है, यानी कि परफेक्ट पोजीशन पे है। इसमें देखो रेड एंड ब्लू है सेंटर पीस ये, लेकिन ऑरेंज यहाँ बैठा हुआ है, ये रॉन्ग जगह पे, ये रॉन्ग जगह पे, यानी कि जो ये पीस है वो हमारा करेक्ट पोजीशन पे है। तो अब हमें कॉर्नर्स को मैच कराना है,
कॉर्नर्स को उनके सही घर पे ले जाना है। तो कॉर्नर्स को उनके सही घर पे ले जाने के लिए फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। इसके पहले जो फॉर्मूला हमने दिखाया था वो इशारे प्लस को बनाने के लिए था, ठीक है। चलो कॉर्नर्स को मैच कराने के लिए फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यू आर यू आई एल आई यू आर आई यू आई एल। चलो कोशिश करते हैं एक बार हम, ठीक है। अब इसमें करने से पहले आपको ये नोटिस करना होगा कि कौन सा कॉर्नर पीस अपने सही जगह पे है, तो वहाँ से आपको अपने राइट साइड में रखना है, उस सही वाले पीस को अपने राइट साइड में रखना है, देन ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपने ऐसे पकड़ लिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस कॉर्नर पीस को हमने कॉर्नर पर रखा हुआ है अपने राइट साइड में, देन इट बिकम अवर राइट साइड। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, यू आर यू आई एल आई यू R I U I N L। तो इससे क्या हुआ देखो बहुत ध्यान से, ये सारे प्लस पहले भी बने थे, सारे प्लस अभी भी बने हुए हैं, उनमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। जो पीस हमारा यहाँ पे था रेड एंड ग्रीन वाला, वो यहाँ पे है, लेकिन देखो ये अभी भी सही भी जगह पे नहीं आया है, ठीक है। ये भी सही जगह पे नहीं आया है, वो सिर्फ वो अभी पीस अपने सही जगह पे रखा हुआ है। कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले को फिर से अप्लाई करते हैं। चलो U R U I L I U R I U I N L। मैंने इतना सब काम करके देख लिया, सारा फॉर्मूला लगा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा क्यूब बिगड़ जाता है, देखो ना तो मेरी बॉटम लेयर बिगड़ी, ना मेरी मिडिल लेयर बिगड़ी, और ना ही ये सारे प्लस बिगड़े, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूले के मूव्स सही इस्तेमाल किए होंगे तो आपकी जो चीज़ बन चुकी थी वो कभी भी बिगड़ेगी नहीं। इवन देखो ये बन जरूर गया है, देखो ये ब्लू एंड रेड वाला हमारा सामने सामने आ गया है, ये हमारा ऑरेंज एंड ब्लू सामने आ गया है, ये ऑरेंज एंड ग्रीन मेरे सामने आ गया है, बिल्कुल सही जगह पे आ गया है, बिल्कुल सारी जगह पे। अब सारे कॉर्नर अपने सही जगह पे सेट हो चुके हैं, येलो प्लस हमें प्योर येलो प्लस दिख रहा है, और सारे पीस अपने कॉर्नर जगह पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, बिल्कुल फाइनल स्टेप बचा है हमारा, ठीक है। ये अब मिडिल फाइनल स्टेप बचा है, ठीक है, दैट इज आवर फाइनल स्टेप। अब नोटिस करो ये सारे कॉर्नर पीस मेरे सही जगह पे आ चुके हैं। तो अब मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचने वाला हूँ, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब आप क्यूब बनाना सीखने वाले हो बस कुछ ही देर में। अब आपको क्या करना है, आज सिस्टम थोड़ा बदल जाएगा, पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। अभी तक मेरा येलो टॉप होता था, अब मेरा वाइट वाला टॉप में आ जाएगा, और आप फ्रंट में कोई भी लेयर रख सकते हो जिसका कि कॉर्नर गलत है। मान लो हो सकता है कि कभी यहाँ पे कॉर्नर सेट हो गए, वो प्रॉपर सेट हो गए, तो उसको हम क्यों काम करेंगे उस पर। तो आप कोई भी फेस सामने रख लो जिसमें कि राइट साइड में आपका कॉर्नर होना चाहिए, जो सेट करना है, जिस कॉर्नर को सेट करना है वो आपके राइट साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो आपने अब क्यूब को उल्टा पकड़ा हुआ है, वाइट आपका टॉप में है, देन आप अपना फर्स्ट वाला फॉर्मूला फिर से याद करो जो आपने पहली बार अप्लाई किया था, दैट इज आर यू आर इनवर्ट यू इनवर्ट, ठीक है। क्या करना है, राइट साइड में उस कॉर्नर पीस को रखना है जिसको कि आपने अरेंज करना है, ठीक है। तो मैं चल स्टार्ट करता हूँ, आर यू आर इनवर्ट यू इनवर्ट, आर यू आर इनवर्ट यू इनवर्ट। वो पीस नीचे तो आ गया लेकिन गलत है, फिर से आर यू आर इनवर्ट यू इनवर्ट, आर यू आर इनवर्ट यू इनवर्ट, ठीक है। अभी क्यों को हिलाना नहीं, ऐसे पकड़े रखना। अब इसको सिर्फ ऐसे घुमा के देख लो कि हमारा येलो पीस नीचे आ गया कि नहीं आ गया। अगर येलो पीस हमारे नीचे आ चुका है, यानी कि काम हमारा हो गया है। अब आप क्यूब को ऐसे ही पकड़े रहो, बस ये जो बॉटम लेयर है इसको मूव करा दो। अब आप कहोगे बॉटम लेयर अपने क्यों मूव कराई, ब्रदर अगर आप नोटिस करो तो ये मेरी टॉप लेयर है, ये बॉटम लेयर नहीं है, बॉटम लेयर हमारे ऊपर है, ठीक है। सो दैट इज नाउ इसको मैंने सामने फ्रंट पहले चेंज नहीं करना है, फ्रंट कलर वही रहना चाहिए। आपने सिर्फ क्या किया, बॉटम को राइट साइड मूव करा दिया, जिससे कि क्या होगा, जो कॉर्नर पीस था वो अपनी जगह पे आ गया। देन अगेन आर यू आर इनवर्ट यू इनवर्ट, आर यू आर इनवर्ट एंड यू इनवर्ट, ठीक है। फिर से आपका फेसिंग कलर वही रहना चाहिए जो पहले था। अब बस बॉटम लेयर को एक बार मूव करा दो, फिर से मेरा कॉर्नर पीस टारगेट में आ गया। देन आर यू आर इनवर्ट यू इनवर्ट, आर यू आर इनवर्ट यू इनवर्ट, ठीक है। वो पीस सेट हो चुका है नीचे कॉर्नर पीस, देखो इस पर नज़र रखना, जब तक कि येलो हमारा सेट ना हो जाए तब तक आप उसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। एंड अगेन लास्ट पीस मैंने मूव कराया, देन अगेन आर यू आर इनवर्ट यू इनवर्ट, आर
यू आर इनवर्ट यू इनवर्ट आर यू आर इनवर्ट यू इनवर्ट आर यू आर इनवर्ट एंड यू इनवर्ट। दोस्तों आपको इस काम को करने के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप पेशेंस फुल्ली काम करेंगे तो आपका क्यूब सॉल्व जल्दी से हो जाएगा। तो मुबारक हो, आपका क्यूब सॉल्व हो चुका है और आप क्यूब सॉल्व करना सीख चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रैक्टिस दिस मैथड एंड एन्जॉय दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।